अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम बैक विद अ ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको बताने लगूँ कि आप अपने जी टी ए 5 के अंदर पुलिस मोड LSPDFR कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी रिक्वायरमेंट्स है ना वो, और सारा मोड जो है वो मैंने लिंक उसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लें। एंड उसके बाद आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है, कोई भी ब्राउज़र कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है LSPDFR। ये LSPDFR सर्च किया है एंड उसके बाद ये मैंने होम पेज इसको ओपन किया है। ठीक है, ये आ जाएगा डाउनलोड LSPDFR 0.1, ये आप जो भी बस आगे से है ये आ जाता है। अगर डाउनलोड दिस फाइल, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है अग्री एंड डाउनलोड। फिर आपको सेटअप फाइल डाउनलोड करनी है, सेटअप फाइल आपको इसकी डाउनलोड कर देनी है। एंड उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपको, मैं तो मेरी GT5 का जो वर्जन है वो 1.57 है, तो मैं उसके लिए रेज प्लग इन होक इंस्टॉल करूँ। ठीक है, ये GTA 5 एंड यहाँ से इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक हो गया, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग डाउनलोड कर लें। एंड उसके बाद अगर आपका वर्जन 1.58 है तो फिर आपको प्लग इन होक रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ ये यहाँ पे GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में। ये मेन डायरेक्टरी आ गई जी, साइड बाय साइड दोनों कर लेता हूँ। तो सेटअप जो है ना, अभी इसको अभी मिनिमाइज करता हूँ, कर लेता हूँ, मगर साथ ओपन रखना है आपको। ठीक है, ये जो सेटअप है ना इसको साथ में ओपन कर लेता हूँ। ओके ओके, इसको आपको GTA 5 की जो है ना डायरेक्टरी, वहाँ पे आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये दिस PCF गेम्स और ये ग्रैंड थॉट ऑटो 5, इसको 99.3 MB चाहिए सर। ठीक है, इंस्टॉल करना है आप लोग उसको उसके अंदर GTA 5 के अंदर। ये लॉन्च फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेटर है, आपको इसको चेक बॉक्स को एंटर करके ओपन कर देना है। उसके बाद ये आ जाता है नेक्स्ट करना है, यहाँ से आपको शो लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। और अभी 2 मिनट वेट करें, आपको ये लाइसेंस दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये डेवलपर्स रेज प्लग इन ओके इज अ लाइब्रेरी दैट एनेबल डेवलपर टू प्लग इन ओकन प्रोग्राम। लाइक ये रॉकस्टार वालों ने नहीं बनाया, एक फैन मेड है, तो इस वजह से इसका, मगर चलेगी ओरिजिनल पे। ये डिफाइन अगर आपके पास ओरिजिनल है उस पर भी चलेगी, मगर मैं क्रैक भी चला रहा हूँ तो उसका भी मैं आपको हाल बता दूंगा। ये है इंस्टॉल सक्सेसफुली। ओके कर लेता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये जो डायरेक्टरी है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इंस्टॉल हो गया है। और ये ओपन कर लिया, ये आप लोग देख सकते हैं LSPDFR, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद मैं जो है ना अब अपनी गेम के अंदर ना ये रेज प्लग इन इंस्टॉल करता हूँ। ये एंटर ओवरराइड कर देता हूँ, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक हो गया, अभी मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है, तो मैं अब उसको डिलीट कर देता हूँ। अरे सेटअप को मैंने कर दिया डिलीट, नो सेटअप को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको रेज प्लग इन ओपन करना है। एंड यहाँ पे ये एक्सेप्ट करने वाले लाइसेंस को, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेटर ओपन करेगा रेज प्लग इन ओक का। तो 2 मिनट वेट करें आप लोग। ये आ गया। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि नोट सपोर्टेड, मेरी अभी जो गेम है उसके अंदर सपोर्टेड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है डोंट लोड एनी प्लग इन ऑन स्टार्टअप। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, एग्जिट कर देना। उसके बाद ये रिफ्रेश कर दिया, अब मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ इसे रेज प्लग इन को। और ये हो गया, इसकी आ गई सेटिंग के अंदर। एंड भी ओपन हो जा होगी है प्लग इन, डोंट लोड एंड प्लग इन स्टार्टअप, देन सेव एंड लॉन्च की पर क्लिक कर देना है। सेव एंड लॉन्च करने के बाद यहाँ से आपको बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद जब ये मैंने अपनी अब GTA 5 ऑन कर लिया है, और अब आपको इसको करना है एडमिनिस्ट्रेटर पे, हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, अगर आपकी क्रैक्ड है ओरिजिनल कुछ भी, आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे ही चलाना है। बंद हो गया। ओके, ये GTA 5 के अंदर आ गया।
वैलिडेटिंग हुक और ये हुकिंग गेम इंस्टेंस, ठीक है चल पड़ा है। ठीक है तो मैं अभी यहाँ से गेम ऑन हो रही है जैसे सिंपल होती है, ये आपको नज़र आ रहा है साइड पे, तो अभी मैं मिलता हूँ आपको गेम ऑन होने के बाद। ठीक हो गया जी, अब इसको जो है ना, हाँ तो अभी ना गाइस मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे भी आप लोग मैप में देख सकते हैं कोई यहाँ पे न्यू नहीं आया हुआ ब्लिंप ब्लिंप। उसके बाद आपको F4 दबाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है जी लोड ऑल प्लगइन्स, यस इसको क्लिक करके एंटर कर देना है। ठीक है लोड एनी प्लगइन ऑन स्टार्टअप, ठीक है तो उसको आपको एंटर, एक करेक्टर बन गया ये। ठीक है F4 दबा देता हूँ मैं, ये बन गया F4। ठीक है तो अभी ये करेक्टर है, ठीक है ये मैंने बना लिया था पहले, ठीक हो गया। अभी जो है ना यहाँ पे ये बेटे गिरना चाहिए, गिर गया है यार। अच्छा पुलिस स्टेशन किधर है, ये क्लोजेस्ट जेल है ना, यहाँ पे चलते हैं टेलीपोर्ट मारते हैं वहाँ पे। ये आ गया मैं तो, ठीक हो गया। आपको यहाँ पे अंदर आ जाना है, ये एंटर कर दिया रॉकफोर्ड पुलिस स्टेशन में, रॉकफोर्ड हिल्स पुलिस स्टेशन, ठीक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे गो ऑन ड्यूटी कर देना है, ठीक है गो ऑन ड्यूटी करेंगे आप लोगों को यहाँ पे कुछ आ जाएगा कि नया करेक्टर बनाएगा उसको कुछ भी करें, तो उसको आपको एंटर कर देना है एंड फिर आपको अपना नया करेक्टर बनाना है आपका जैसे मन करे, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुलिस लॉकर के अंदर एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये वर्क करेगा, यू से ऊपर जाएगा, जे से नीचे आएगा एंड एच से लेफ्ट होगा एंड के से राइट होगा, ठीक है। ये लेगेसी आ गया, ठीक हो गया जी। ये मैं बनता हूँ LSPD। आउटफिट आप कॉप भी रख सकते हैं, दूसरा भी रख सकते हैं, डिटेक्टिव कॉप ही रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री रैंडम रखते हैं, एडवांस कस्टमाइजेशन के अंदर कुछ भी नहीं है एंड कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद आपको आना है पुलिस गैराज के अंदर, यहाँ पे आपको मिल जाएगी भाईजान गाड़ियाँ, गाड़ी यहाँ से आपको चूज़ करनी है या LSSD और यहाँ से गाड़ियाँ बस आपको चूज़ करनी है। ये आ जाती है यहाँ पे इंटरसेप्टर पता कैसा नाम है। उसके बाद ये चीज़ है बस, ठीक है कंपोनेंट मॉडिफिकेशन में आके अप्लाई ऑल करेंगे, गाड़ी के आगे वो थोड़ी छोटी चेंज हो जाएंगे, बोनट वोनट लग जाएंगे। उसके बाद आपको करना है सेलेक्ट एंड कंटिन्यू एंड ये जो निकल आई है मेरी गाड़ी ना बाहर, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है गाड़ी बाहर निकल आई है एंड यहाँ से आप क्यू दबा के पुलिस कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग इसको कैसे अभी कर सकते हैं। अभी ये सामने जीप जा रही है ना, उसके पीछे जब आप दबाएंगे ना हॉर्न, ये इसको इशारा मिल जाएगा भाई उसने मुझे रोक लिया, और मैप के अंदर आपको जो है ना वो मिल जाएगा येलो कलर का, येलो कलर रेड कलर का प्लेन, ठीक है जैसे कि अभी यहाँ पर गाड़ी जा रही हो ना, हाँ वो जो आगे जा रही है ना स्कॉप्टर, इसको रोकते हैं ये वाली। ये मैंने दबाया ई, ये साइड पर रोक दी अपनी गाड़ी, यहाँ पर मैंने भी अपनी गाड़ी साइड पर रोक दी है जी। वो इधर इधर ओपी हो गया यार, मुझे ही मार रहे हैं, इसको रोकते हैं इधर। अभी गेम का बंदी रोक नहीं रहा था, कभी कभी आराम नहीं आया अभी इसको, ठीक है। तो ऐसे चलती हुई गाड़ी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना कि कैसे होगा, गाड़ी स्टार्ट हो गई है जी। ओपी इंटीरियर, ये अब गाड़ी जा रही है फैल्ट इधर, इसको रोकते हैं। उसके बाद मैंने शिफ्ट दबा दिया, शिफ्ट दबाते गया हूँ मैं, तो अब गाड़ी को पता चल गया कि भाई मुझे रोक रहा है, वो अभी जा रहा है आगे, भी हो गया यार। अब वो जा रहा है, सारा भी लगा रहा है भाई, ई दबाया यार, इसको रोकते हैं, वो आ ही चल रहा है, ये वो रुकी है अभी बिल्कुल, सस्पेक्ट इज नॉट फॉलोइंग यू, ठीक है अब वो मुझे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे रोकते हैं अपनी गाड़ी ओपी जी, गाड़ी ओपी इसको निकालते हैं बाहर, चल बाहर निकाल। ये यार यहीं से इसके साथ बात कर लेते हैं, बिगिन स्पीकिंग, स्पीच करते हैं, इंसल्ट हेलो इंस
थर्ड हेलो बोलते हैं आज टू लीव कार LSPD don't make me shoot you ain't never getting out of prison you're under arrest you piece of crap ठीक है ये होल्ड करके डिटेन सस्पेक्ट कर सकते हैं फिर आपके पीछे जाकर आपको ये बताना वो बैंस की आंख खोली है इसके पीछे जाके आपको ई दबाना है ये दबा दिया मैंने अब मैं आगे हूं आगे हो चल के आ उसकी गाड़ी पहले मेरे साइड पर बस ठीक है अबे यार क्या कर रहा है गोलियां ना खा ले मेरे से उसको ई दबाना है यहाँ से ई दबाया तो उसको पकड़ लिया अभी मैंने क्या अभी बंदे को गाड़ी में डाल दिया गाड़ी से जेल में छोड़ते हैं ये आ गया इधर इधर आपको ई होल्ड करना है यहाँ से बंदे को अंदर बैठा देगा ये बंदा बैठ जा सीधा हो गया बहुत सारा चलो बक्स तो थोड़े बहुत बक्स हैं मगर फिर भी सेट हो जाएंगे ई दबाता हूँ मैं उसको बंद करने के लिए आप निकलते आगे अब इसको छोड़ते हैं जेल के अंदर पुलिस वाली जेल के अंदर ओ की गाड़ी अरे यार क्या हो गया भगाता हूँ गाड़ी भगाता हूँ पकड़ के लेके जा रहा हूँ हाँ जी तो इसमें आपको रिक्वेस्ट आएंगे कि आपको यहाँ पे चोरी जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ एम दबाएंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा ठीक है मेरे बंदे का नाम है इंस्पेक्टर बुला व्हीकल्स और उसके बाद यहाँ पे पुलिस रेडियो आएगा रिक्वेस्ट फॉर कॉल्स यस करना है एंड एक्शन और रिक्वेस्ट कॉल करना है ये एक्शन शोल्डर नन करना है एंड रिक्वेस्ट कॉल बस ठीक हो गया तो यहाँ से सेटिंग जो हुई है वो ठीक है एंड रिक्वेस्ट कॉल ऑन कर दिया मैंने अभी कहीं पर चोरी की हुई होगी तो वहाँ पर आपसे बुलाएंगे और आप कॉल कैसे करना पड़ेगा ठीक है बंदा पकड़ा भाई मैंने गाड़ी के अंदर ये बंदे को छोड़ना है यहाँ पे ये आ गई जगह ये उतर गया है बंदा ठीक है तो हमने अपना फर्स्ट सस्पेक्ट जो है ना सस्पेक्ट तो नहीं था बेचारा ऐसे ही था मैंने अब उसे पकड़ा ठीक है तो गाइज ये एक और वीडियो होगी है तो मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें कमेंट कर दें मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़